तो जो है साइकिल का चल रहा है, साइकिल का चल रहा है, इसीलिए साइकिल से आप लोग निकलते हैं एक साथ। अखिलेश सरकार रहा लिया, इतना लड़का आर्मी में भाई ना, पुलिस में भाई ना, बहुत शिक्षा कुछ हम बहुत भाई ना। सभी युवा पीढ़ी नाराज है, किसान नाराज है, खास करके ड्राइवर है ट्रैफिक ब्रेकर पे नाराज है। अखिलेश को देंगे, अखिलेश को देंगे, कहे अखिलेश को देंगे। अरे भैया जो अच्छा काम करे उसी को देंगे ना। ये गांव नहीं, पूरे इलाके में विरोध है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विरोध है। ये सड़किया के बनवाया अखिलेश है, अस्पताल को है। जीता था वो का था, और धर्मिंदर जीता था, वो भी बहुमत वोट से जीत रहे हैं। बहुमत जीत रहा है। राशन फ्री में लेंगे उससे क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब है नहीं। क्या मतलब है? फ्री का आदत डाल रहे हैं, वही कोई रोजगार दे ले। जीएसटी, अरे ऐसा सरकार के नाथ हम चाहते हैं कि अखिलेश सरकार के तो साइकिल ये सिंपल है, वो रालो तो उधर है दिन ना देखे पड़ा। अच्छा, मोटरसाइकिल रहा और साइकिल तब थार रहा मर्दवा। देवारा साइड आ रहे थे और रास्ते में निकल रहे थे, सोचे कि यहाँ पे माहौल पता करेंगे, तो रास्ते में कुछ लोग साइकिल से मिल गए और ये वो लोग हैं जो कोचिंग कर रहे हैं। तो इन्हीं से बात करेंगे साफ तौर पे कि आखिरकार आपका नाम क्या है? लालू यादव नाम है आपका? लालू प्रसाद यादव वाला जी, लालू जी, यादव। जी, 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 जी। अच्छा, तो कैसे नेता लगते हैं लालू यादव? अरे बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। यादव बिरादरी जिंदाबाद। अच्छा, तो ये क्या, ये बताइए कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग घर जा रहे हैं कोचिंग करके। कोचिंग कर लिए? हाँ। किस चीज की कोचिंग करते हैं? कुछ नहीं, कंपटीशन की करते हैं तैयारी। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? तो क्या बताया जा रहा, पेपर लीक हो जा रहा है? पेपर तो लीक हो रहा है, यहाँ पर देख ही रहे हो आप भी लोग। तो फिर तैयारी क्या फायदा? तैयारी का, अरे संघर्ष करते रहेंगे, सरकार चेंज होगी तो लग रहा है सरकार चेंज होगी, और नहीं तो क्या, सरकार तो चेंज होगी। तो किसकी सरकार बनेगी? कोई बात नहीं, समाजवादी बनेगी, और किसकी बनेगी? अच्छा, साइकिल अपनी, साइकिल की बनेगी। हाँ। अच्छा चलिए, और लोग से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? धनीराम यादव। क्या है माहौल यहाँ पे चुनाव? माहौल तो जो है साइकिल का चल रहा है, साइकिल का चल रहा है, इसीलिए साइकिल से आप लोग निकलते हैं एक साथ? नहीं, साइकिल का माहौल इसलिए चल रहा है कि अन्य सरकार में जो वर्तमान सरकार है उसमें हम लोग बहुत परेशान है, हम ही लोग नहीं सारे युवा ही परेशान है। युवा काहे परेशान? ये पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ। और जो भी हो रहा, हम तो लोग फिर सरकार आ गई, फिर ये तैयारी कर, सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार वो बने जिसमें हम लोगों को रोजगार मिले। हाँ। चाहे सपा हो बसपा हो। तो अभी मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ होते आज। तो निरहुआ भी कह रहे हैं कि इस बार यहाँ से पूरा सफा चेक। तो पिछली बार बहुत कुछ कहे थे, पिछली बार तो बहुत उन्होंने बहुत कहा था, लेकिन कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। अच्छा ठीक है, और लोग से बात कर, क्या निरहुआ कुछ किए कि नहीं? कुछ नहीं किए, वादा किए थे कि अराजी देवारा में बंधे पे पुल बनवाएंगे। हाँ। आज तक पुल नहीं बना, इसके पहले बाढ़ आई थी, वहाँ की जनता परेशान थी। हाँ। अब बोले थे कि हमें जिता दीजिए, हम आपको मतलब सबसे पहला काम हमारा, हम पुल ही बनवाएंगे। तो यहाँ पे अखिलेश की सरकार रही, यहाँ पे यहाँ इस विधानसभा में विधायक रहे, उन लोग ने क्या काम किया है? मतलब इससे पहले अखिलेश भी रहे यहाँ पे, समाजवादियों का गढ़ रहा, क्या काम किया समाजवादी? उन्होंने बहुत ही काम किया है। जैसे? जैसे कि पहले तो वहाँ पे माटी का मतलब रोड था। हाँ। उन्होंने खड़ंजे लगवाए। हाँ। रोड को ऊंचा किया, गरीबों को मतलब बहुत क्या नाम है कि वो नाव, बाढ़ के लिए नाव बनवाई है। हाँ। आने जाने के लिए। हाँ। वो बहुत सुविधा दिए, सुविधा दी है, बहुत ज्यादा दी है। तो ये एसएससी सरकार तो लोकतंत्र भी खत्म करने पे लगी है, लोकतंत्र खत्म कर देगी। कह रहे हैं मोदी जी ये सब अफवाहें। नहीं, वो फौज भी 4 साल के उन्होंने कर दिया। हाँ। बताइए कौन जाएगा देश सेवा करने के लिए? अच्छा, 4 साल की फौज हो गई। अच्छा ठीक है, तो आपका क्या कहना है, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे थे, कोचिंग से आ रहे थे। घर जा रहे थे, तो क्या है ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ निकलेगी वैकेंसी वैकेंसी कुछ? सरकार से मुझे उम्मीद तो नहीं है। अब देखिए आगे सरकार, गठबंधन इंडिया गठबंधन आता है, उससे कुछ उम्मीद किया जा सकता है? उम्मीद है उससे? लग तो रहा 30 लाख बोली है। हाँ। उससे उम्मीद किया जा सकता है, अभी सरकार से मैं क्या उम्मीद करूँ? वो कह रहे हैं कि ये सब जुमलेबाजी है, वो कुछ करेंगे नहीं, आएगा तो संसाधन ले लिया जाएगा, आएगा तो भैंसिया चली जाएगी, मंगलसूत्र चला जाएगा, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो सब झूठा जुमला सपाना ये सब बता रहे हैं। जब से बाबा की सरकार आई है तब से पेपर लीक है। जब से बाबा की सरकार, तो कह रहे हैं पहले भी तो पेपर लीक कहा, पहले पहले तो रोजगार भी तो मिलता था। हाँ। 5 साल में एक बार यूपीपी की वैकेंसी आई, वो भी आई 60,200
कुछ पदे आए वो भी लीक हो गया। यही बहुत रोजगार मिला, हर एक वर्ग को मिला है रोजगार। गुंडागर्दी कहा, गुंडागर्दी मेरिट पे वैकेंसी। अखिलेश सरकार रहा लिया, इतना लड़का आर्मी में भाई ना, पुलिस में भाई ना, बहुत शिक्षा कुछ बहुत भाई ना। योगी जी कहा सब यादव है, यादव का ठाकुर पंडित ना हमें। आप तो पत्रकार हो, आप तो खुद जानत हो भैया। योगी बाबा खाली बिरादरी के लेके चला था मैं, अब बतावा। अच्छा, सिर्फ बिरादरी के? हाँ। सब जने तो नाराज है, ठाकुर पंडित भी नाराज है, बीजेपी। ठाकुर अपन बिरादर लेके चला था। बता दा कि ठाकुरे बने के लड़का यूपी पे मेरिट वाली वैकेंसी में भैलो तो बतावा आप। अच्छा, तो पत्रकार यहाँ कुछ दादा लोग हैं, उन लोग से भी बात करेंगे। क्या दादा क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या चुनाव माहौल है? अच्छा माहौल है। क्या करते हैं? सपा का माहौल जी। आप क्या करते हैं? हम लोग किसान आदमी है, खेती गृहस्थी तो करते। खेती उतनी सही चलत है? कहाँ चलती है, इतनी इतनी महंगाई खादी के आ गई की। निरहुआ कहीं पर चरवा न होता है। मोदी जी कह रहे हैं चाचा कि बिजनेस बिजनेस इस समय अच्छा चल रहा है। योगी जी कह रहे हैं व्यापारी सब सारे। भाई आप मोदी जी के प्रचारक हैं, आप मोदी जी का नाम ले गए। किसी पढ़े लिखे का भी इंटरव्यू कभी देते हैं? किसी न्यूज एंकरों से मिलता है? दिए तो है हर जगह, दिए हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। अगर आप इस चैनल के माध्यम से, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सर्वास्थी, नेपाल रास, उन्नाव, खीरी, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, कुशीनगर, पड़ावना, मैनपुर, एटा, इटावा, औरैया, कानपुर, अलीगढ़, हाथरस, महोबा, झांसी, ललितपुर, मेरठ, बिजनौर, हमीरपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, बनारस, चंदौली, आजमगढ़ का सारा सर्वे। ये ड्राइवर भी इनसे, इनकी जो काला कानून का 80 सीट आप गिना दिए। मैं गिनाया नहीं हूँ, आप जो मुझसे भूल हुई होगी वहाँ से आप जोड़ लेना। जो मुझसे छूटा होगा आप जोड़ लेना। लेकिन 80 का 80 सीट पूरे उत्तर प्रदेश के सभी युवा पीढ़ी नाराज है, किसान नाराज है, खास करके ड्राइवर हर ट्रैफिक ब्रेकर पे नाराज है कि ऐसी सरकार से नाराज हो के लोग इसके खिलाफ एनडीए गठबंधन जो बीजेपी को हराएगी उसको जिताने में सब अभी लगे। भी वो सब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार नहीं, उसका गिनती अब सातवें चरण तक, सातवें आसमान में किसानों का गुस्सा चढ़ गया। उस 400 हार उनकी है। अरे वो कह रहे हैं हमको माँ गंगा ने गोद लिया है, हम यहाँ रो देते हैं लोग उनके। बाढ़ पीड़ित बंधे के उस पार के, ये चिकनावा ढाला का और कमरिया ढाला के, जिसको गंगा माँ गोद ले लेती हो कभी उसकी डेथ बॉडी तक पोस्टमार्टम के लिए नहीं मिलती। आप कहाँ तक गंगा गोद ले लेंगी थे, वो मिलेंगे? और तो देंगे। किसको देंगे? अखिलेश को देंगे। अखिलेश को देंगे? हाँ। कहे अखिलेश को देंगे? अरे भैया जो अच्छा काम करे उसी को देंगे ना। तो मंदिर के जगह हॉस्पिटल बना लो, कितना जनता खुश भाई। लोग कह रहे हैं 500 वर्षों का संघर्ष पूरा हुआ, आप कह रहे हैं? अरे संघर्ष पूरा करा, थोड़ी कुछ नहीं होगा। क्या चाचा कह रहे हैं कि मंदिर से कुछ नहीं होगा, आपको क्या लग रहा है? अरे मंदिर मस्जिद से क्या होगा यार, गरीबों के नौकरी चाकरी से काम होगा? अरे तो मंदिरवा बनाए हैं 500 वर्षों का संघर्ष। एक बात बता दें, मंदिर माजी से कुछ नहीं लेना देना है। पत्थर की मूर्ति से पूजा ना होले, मनई के मूर्ति से पूजा होले मनई के पेट भरल जाला। मनुष्य का ही पेट भरा जाता है, नौकरी चाहिए। और गरीब बेचारे परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं, किसान बेहाल हैं। ये नाते ये सरकार, जो सरकार निकम्मी है। किसानों का विकास हमारे सरकार में हुआ? कोई विकास नहीं किए हैं, कोई विकास नहीं किए। किसान निधि दे रहे हैं? किसान निधि 2000 दे रहे, 2000 अपना ले ले। जीएसटी 18% जीएसटी, 18% जीएसटी, 500 समान। बाप रे बाप, ये गांव में तो पूरा विरोध दिख रहा है, ऐसा कहा है इतना विरोध? 40 किलो मक्का डाला है, 50 किलो खाद कह डाले, 50 किलो खाद। अच्छा कहे इतना विरोध है गाँव में चाचा? ये गाँव में नहीं, पूरे इलाके में विरोध है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विरोध है। इतना विरोध है पूरे देश में? पूरा जाए कोई गोरखपुर मंदिर में घंटों बजावे, अखिलेश यादव सरकार चलावे, ऐसा है ना? पूरे उथुआ में विरोध है, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में इनका विरोध है। 80 में से 80 सीट ला रहे हैं, 80 में से उनको 25-30 सीट मिल जाए वही मुश्किल है। ये सड़किया के बनवाया है? अस्पताल को है, अस्पताल जो बना है वो
वो माननीय मुलायम सिंह की देन है। परिवारों की उम्मीद है अखिलेश भैया। अखिलेश आ गई ना, नौकरी मिल गई। जिस देश का प्रधानमंत्री 18% शिक्षा पे GST लगा दिया हो, उससे बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। विकास भी तो हो रहा है। किस चीज का वो बताइए? कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी तो विकास होगा। अरे महंगाई कैसे बढ़ेगी? सब कहते हैं 75 साल में, बताइए 75 साल में 55 साल वन टैक्स कर दिया है 18। ये वन टैक्स का नाम मत लीजिए, जो 75 साल में नहीं हुआ है ये सब 10 साल में उसका डबल महंगाई कर दी है। वन नेशन वन टैक्स जैसी योजनाएं ले आ रहे हैं आप। अरे योजनाएं ये सब इनकी विफल हैं। इनकी कोई योजना बता दीजिए जो सफल है। 5 किलो राशन दे रहे हैं और 50 किलो राशन तो साले सांड खा जा रहे हैं। सांड का क्या जवाब है मुख्यमंत्री? गौशाला भी तो बनवा रहे हैं। गौशाला इनके कहाँ है कर्मचारी भाई? पाठशाला, सांडशाला, गौशाला जो भी बने उसकी बात ये है। आप जान लीजिए, 5 किलो जो राशन मिलता है आधा किलो कोटेदार काटता है, 4.5 किलो मिल जाता है। प्रधान जी एक मिनट सुन लीजिए, मैं जरूर बता रहा हूँ। उसमें 4.5 किलो से आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, सरकार से मैथ करा लेना। 4.5 किलो में से भाग करिए 30 दिन के लिए कितना दिन, एक दिन का आता है 150 ग्राम। 150 ग्राम एक दिन का हिस्सा आता। अगर वो 2 टाइम खा रहा है तो कितना आएगा, एक टाइम का 75 ग्राम। अगर 3 टाइम में खा रहा है, एक टाइम का हुआ कितना, 50 ग्राम। अगर 50 ग्राम एक आदमी का हिस्सा लगा के दे रहे हैं तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी हिसाब दे रहे हैं और आप करें 5 किलो राशन। टोटल जोगी मोदी जो बोल रहे हैं सारे झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में कुछ नहीं किए हैं, खाल भर केवल कह रहे हैं कि हम गुजरात। योगी मोदी के नाम पे वोट भी तो मिलता है। मैं लाइट पानी वाला अब ना मिली, अब कहाँ मिली, अब नहीं मिली, नहीं अब ना मिली। अरे इतना विकास, विदेशों तक नाम चला गया। 370 हटवा दिए हैं, हटवा दिए। एक बार हो गया मिली, जोगी एक बार हो गया। क्या कहोगे, क्या नाम है? अरे धर्मिंदर जीता था, वो कहा था मौरी का धर्मिंदर जीता था। वो भी बहुमत वोट से जीत रहे हैं। बहुमत जीत का। अरे तो ये निरहुआ कह रहे हैं इस बार सब सपा चट है सपा का। अरे कोई सपा चट नहीं है, दबदबा है पूरा, एकदम दबदबा है, पूरा दबदबा है, दबदबा है, कम से कम 1.5 लाख वोट से। निरहुआ काला चिकनावा पर का पुल बनी थे, हे बलक पुल बनी थे, बलक शूटिंग चली, कहाँ करा था शूटिंग? अच्छा ये बताओ, ये बताइए, ये देखिए चाचा लोग है थोड़ा सा, इन लोग से पूछे, ये इसका चाचा यहाँ जो है देवरा, हम आगे मिले थे, कुछ लोग से कह रहे थे कि ये जो है बहुत दूर दूर घर होता है देवारा, इसीलिए इसका नाम देवारा रखा गया। नहीं नहीं, हमारी आबादी ज्यादा है, हमारे गांव करीब करीब हैं, न कि दूरी है। देवारा पहले बाढ़ आती थी, बाढ़ जो है कम आ रही है, और देवारा सूखा बहुत पड़ रहा है, सूखा पड़ा है, गर्मी है, सूखा पड़ेगा। हाँ कौन सा सूखा, कौन सा तो बाहर राहत का वो नहीं देते? नहीं, कोई कोई नहीं, कोई नहीं, बाहर राहत पैकेट नहीं, नहीं नहीं कोई पैकेट नहीं, कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, कोई मुख्यमंत्री से कोई राहत। अगर मोदी जी कहते हैं कि वैक्सीन की जरूरत नहीं, ताली थाली अगर बजवाने से कोरोना भाग जाता है, और वैक्सीन तब क्यों लगवा रहे हैं? अरे तो वैक्सीन इसीलिए कि लोग बचे रहे। वैक्सीन लगवा के कई करोड़ चंदा ले लिए उस कंपनी से, और वैक्सीन से आज हार्ट अटैक हो रहा है लोगों का, हार्ट अटैक हो रहा है। तो वो मोदी जी कह रहे हैं अफवाह उड़ाया जा रहा है, बीजेपी नहीं कर रहे। मोदी जी को तो 300 करोड़ चंदा मिल गया उस कंपनी से, वैक्सीन वाली से। वो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देते हैं। आप लोग ये 2024 में वो झोला लेके जब भागेंगे दिल्ली से, तो उनको उनका झोला चेक किया जाएगा कि झोला में क्या लेके भाग रहे हैं। घबराइए मत। अच्छा ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं। चाचा मोदी जी फकीर आदमी है, झोला लेके चले जाएंगे, वो खुद का है। अरे मोदी जी बहुत अमीर आदमी है, पूंजीपति है, पूंजीपतियों का साथ, तब गरीब आदमी है, पूंजीपति है वो तो है। प्रधानमंत्री ने गरीब है कह रहे हैं, फकीर है, फकीर है, अब क्या कहेंगे। 1.5 लाख का पेन लेके चल रहे हैं, 2-2 लाख की कोट पहन रहे हैं, वो गरीब है। अरे वो कह रहे हैं कि हमको इसीलिए माँ गंगा ने गोद लिया, हमारा कोई परिवार वाला आगे नहीं बढ़ा है। अरे आप उनको भगवान कह रहे हैं, इतने बड़े भगवान होते तो जो उनकी माताजी गुजर गई हैं, माताजी बाबा उनके नाम है। अच्छा ठीक है। ए चाची का है यहाँ माहौल कुल राशन वासन मिला था कि नहीं? राशन से क्या मतलब है, राशन फ्री मिलेगा उससे क्या मतलब है, कोई मतलब है? कोई मतलब है क्या, मतलब है फ्री का आदत डाल रहे हैं, वही कोई रोजगार दे ले। तो रोजगार मिली ना, एक बार और चांस देंगे तो अब कितना बार चांस, मौका अब नहीं मौका देंगे, नहीं मौका देंगे, नहीं देंगे। ये तो पूरा विरोध चल रहा है यहाँ पे चारों तरफ। आखिरकार ये गांव में कितना केकर माहौल है, धर्मेंद्र यादव के केकर, धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र इनका नहीं बोलती नहीं पता नहीं। अच्छा
ठीक है। तो देखिए इस गांव में वैक्सीन में केवल ये लोग जो है सभी जनता को ठगने का काम किए हैं। कब वैक्सीन में इन्होंने जान बचाई है, कोरोना नहीं बनाए, लोग पैसा लिए, कमीशन लिए हैं और ये समय सभी लोग मर रहे हैं, इनके वैक्सीन से मर रहे हैं, मर रहे हैं, जान बचाया है, क्या कहेंगे, कोरोना में जान बचाया है लोगों का। अरे तो ये तो मौत लिए हैं सब, मौत लिए हैं सब, क्या लिए हैं, मौत जहर दिए हैं, जहर दे दिए। अरे बाप रे बाप, ये गांव में आखिरकार ऐसा क्या है कि लोगों में इतना ज्यादा नाराजगी है। लेकिन और आगे चलेंगे और आगे आपको सुनाते हैं कि आखिरकार और माहौल कहाँ है। आप गांव में चलिए, चलिए आप गांव में चलिए, चलिए चलिए चलिए। कुल तो कुल जीएसटी लगे ले, कफनों पे लगे ले, यो देखा कफन पे भी जीएसटी। अरे ऐसा सरकार के नाथ हम चाहते हैं कि जान जा रहा है। देखो भाई, इतने दिनों से इनकी एज पूछिए कितना हो गई है, कितना है आपकी, 23 साल। 23 साल बताइए इनकी एज कितना बची है, बताइए अब भैया खुद ही जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे, आप खुद भी जानते हैं कितनी है। पेपर ऊपर कोई इससे पहले दिए हैं? अरे भैया कैठे दानी लीक हो जाता था, बताओ क्या करी, कई दिन साइकिल के ऊ घींची रुपया खाए दिया जोगी अखिलेश रालो, अखिलेश सरकार के तो साइकिल ये सिंबल है, ऊ रालो तो उधर है दिन ना देखे पड़ा। अच्छा, हाँ मोटरसाइकिल रहा और साइकिल तब थार रहा मरदवा। तो यहाँ पे हम आगे चलेंगे, आगे बातचीत करेंगे।